बादल इटर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 10 के मल्टीपल से प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं और हमारी ये डिज़ाइन 10 सिलाइयों में 10 रोज में बनकर कम्प्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन राइट साइड से शुरू होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 26 फंदे लिए हैं, 10 के मल्टीपल से 20 प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, हम बनाएंगे फर्स्ट रो राइट साइड से। देखिए कैसे करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए इस तरह से, धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का एक फंदा स्टिच छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। 2 4 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, हमने यही रिपीट करते जाना है। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 डिज़ाइन कंप्लीट हुई। अब देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टिच का फंदा धागा पीछे करेंगे और राइट साइड से हम इसे सीधा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट रो राइट साइड से कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, हम बनाएंगे सेकेंड रो रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस सेकेंड रो यानी कि दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हमारी रॉन्ग साइड की जितनी भी रो बनेगी हमने सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए ही कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे थर्ड रो तीसरी सिलाई राइट साइड से। तो हमारी थर्ड रो सेम फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का एक फंदा यानी कि स्टिच छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। 2 4 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, हमने फिर से ही रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 डिज़ाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में हमारे पास 5 फंदा बचा है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, स्टिच का फंदा राइट साइड से सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड रॉ कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे फोर्थ रॉ चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस फोर्थ रॉ को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे फिफ्थ रॉ पांचवी सिलाई राइट साइड से। फ्रेंड्स, हमारी फिफ्थ रॉ भी सेम फर्स्ट और थर्ड रॉ की तरह बनेगी, पहली और तीसरी सिलाई की तरह। देखिए, पहला फंदा सीधा स्लिप करेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1
दो धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में एक फंदा यानी कि एच स्टिच छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। दो चार, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, हमने बार बार यही रिपीट करना है। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, एक दो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में हमारे पास तीन दो पाँच, पाँच फंदे बचे हैं। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एच स्टिच का फंदा राइट साइड से सीधा बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फिफ्थ रॉ पाँचवीं सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे सिक्स रॉ छठवीं सिलाई, रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस सिक्स रॉ को यानी कि छठवीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे सेवंथ रॉ सातवीं सिलाई, राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे बनाए। देखिए फ्रेंड्स, दो सीधे फंदे और दो उल्टे फंदे, अब इन चार फंदों को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ के जो लास्ट के दो फंदे हैं इनमें हम पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इन चारों फंदों को सिलाई से उतार देंगे। अब आगे की तरफ से ये दो फंदे सिलाई पर चढ़ा लेंगे और इन दोनों को भी इस तरह से सिलाई पर चढ़ाएंगे। और अब हम धागा पीछे कर लेंगे। देखिए, इन चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार, इस तरह से ये चार फंदे सीधे बुने। अब देखिए, ये जो दो फंदे हैं ये हमको सीधे दिख रहे हैं, तो इन दो फंदों को भी अब हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का एक फंदा एच स्टिच छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। दो चार, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, दो चार, चार फंदों को आपस में हम राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो यहीं हमने रिपीट करना है। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे करेंगे। अब फिर से चार फंदों को देखिए ट्विस्ट करेंगे। ये जो दो फंदे हैं स्टार्टिंग के हम इधर ले आएंगे और इन दो फंदों को हम इस तरफ लाएंगे। तो देखिए, पीछे की तरफ से लास्ट के दो फंदों में सिलाई डालेंगे, चारों फंदे सिलाई से उतारेंगे, आगे से इन फंदों को सिलाई पर चढ़ाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इनको भी सिलाई पर चढ़ा लेंगे। अब इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार, इस तरह से। देखिए, अब ये दो फंदे हैं तो इन दो फंदों को भी हम सीधा बनाएंगे, एक दो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में हमारे पास पांच फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एच स्टिच राइट साइड से सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सेवंथ रॉ सातवीं सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे एट रॉ आठवीं सिलाई, रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा घूमते हुए हम इस आठवीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे नाइन्थ रॉ नौवीं सिलाई, राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार चार फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, एक दो, इन दो फंदों को हम सीधा बनाएंगे, एक दो, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये चार फंदे, दो फंदे ये और दो फंदे, इन चार फंदों को आपस में हम ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो दो फंदे हैं इनको इस तरफ लाएंगे और ये दो फंदे स्टार्टिंग के इनको पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, सामने की तरफ सिलाई डालेंगे लास्ट के दो फंदों में और इस तरह से चार फंदे सिलाई से उतार लेंगे, पीछे की तरफ से इन दो फंदों को सिलाई पर चढ़ाएंगे,
और अब इन दो फंदों को सिलाई पर चढ़ा लेंगे। अब इन चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का एक फंदा यानी कि एच स्टिच छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। दो चार चार फंदे उल्टे बनाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चार फंदों को आपस में लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए फिर से रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो। अब नेक्स्ट चार फंदों को हम लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करेंगे। देखिए स्टार्टिंग के दो फंदों को छोड़ के लास्ट के दो फंदों में हम सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, चारों फंदे सिलाई से उतारेंगे, पीछे की तरफ से इन दो फंदों को सिलाई पर चढ़ा लेंगे और अब इन दो फंदों को सिलाई पर चढ़ाएंगे। इस तरह से चारों फंदों को हम सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमारी दो डिजाइन कंप्लीट हुई। अब लास्ट में हमारे पास पांच फंदे बचे हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, स्टिच राइट साइड से सीधा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी नाइन्थ रो नवीं सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे टेंथ रो दसवीं सिलाई रॉन्ग साइड से, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस टेंथ रो को यानी कि दसवीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा पैटर्न और हो जाता है। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा और बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इन्हीं 10 सिलाइयों को रिपीट करेंगे बार बार, तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।